नमस्कार दोस्त, जीके मिस्ट्री में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या हेड ट्रांसप्लांट से मरा हुआ इंसान को जिंदा किया जा सकता है? ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने किया दावा। तो आइए फ्रेंड्स, इसकी पूरी जानकारी जानते हैं। ऐसे तो फ्रेंड्स, जन्म और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है, क्योंकि ये भगवान के हाथ में होती है। मगर कुदरत के इस करिश्मे को ब्रिटेन के वैज्ञानिक चैलेंज कर रहे हैं। दरअसल वहाँ के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हेड ट्रांसप्लांट के जरिए मृत व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है। इसके अलावा जिनके हाथ पैर कट गए हैं उन्हें भी इससे फायदा हो सकता है। ब्रिटेन के एक पूर्व न्यूरोसर्जन और रोबोटिक्स एक्सपर्ट ने इस बारे में बात की है। ब्रिटेन की हल यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के पूर्व क्लिनिकल प्रमुख डॉक्टर बुर्स मैथ्यू ने दावा किया है कि अगले 10 सालों में हेड ट्रांसप्लांट संभव होगा। इसमें रोबोटिक्स, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और नर्व सर्जरी की एडवांस टेक्नोलॉजी मदद करेगी। हालांकि यूरोप और अमेरिका में हेड ट्रांसप्लांट के रिसर्च को नैतिक कारणों से इसे लागू करने से मना कर रहे हैं, मगर चीन ने इसके लिए अनुमति दे दी है। मालूम हो कि साल 2017 में जियाओपिंग रेन नाम के चीनी साइंटिस्ट ने दावा किया था कि उन्होंने एक सफल हेड ट्रांसप्लांट किया है। उन्होंने एक मृत व्यक्ति के सिर को दूसरे मृत व्यक्ति के बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया था। चीन के हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में की गई सर्जरी में 18 घंटे लगे थे। सर्जरी के बाद स्पाइन, नर्वस और ब्लड वेसल्स को दोबारा जोड़ा गया था। तो दोस्त, हेड ट्रांसप्लांट को लेकर एक छोटी सी जानकारी थी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।